गर्मी ज्यादा अभिषेक अभिषेक भी आया था प्लांट पे। अच्छा उसका ब्लोर था गाड़ी में, उसका वेट करता वहाँ ऊपर एक एक्सीडेंट हो गया था, दो बाइक पहले टकरा गए थे ज्यादा। अरे बिल्कुल, और हमारे बीच में कुछ ही सेकंड के अंदर बैठने वाले हैं सीट पे, ये देखिए आप दोस्तों। हम जा रहे हैं अभी बियासी जल विद्युत परियोजना, थोड़ी सी आगे हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है ललित शर्मा और स्वागत करता हूँ देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो दोस्तों, आज के जो ब्लॉग की शुरुआत है वो करने वाला हूँ मैं 3 बजे से। तो आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों के लिए दिखाने वाला हूँ बहुत खूबसूरत जगह, और जो कि आजकल के मौसम के अनुसार काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है कि आप लोग भी वहाँ पे जाएं और वहाँ पे इंजॉय करें उस जगह का। तो वो जगह बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है दोस्तों, तो ब्लॉग के एंड तक जरूर बने रहे आप। तो अभी मेरे को लेने के लिए आएगा मेरा फ्रेंड और हम जाने वाले हैं एक दूसरे फ्रेंड को लेने के लिए, और फिर उसके बाद जाएंगे हम घूमने के लिए। देखते हैं कहाँ जाते हैं, जो भी कुछ आज के ब्लॉग में रहेगा वो मैं आपको दिखाते रहूँगा ब्लॉग के माध्यम से। तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग के एंड तक दोस्तों। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे, जिससे कि जब भी मैं आप लोगों के लिए इसी तरह की वीडियो लाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच। तो सबसे पहले मैं आज का मौसम दिखा देता हूं, उसके बाद चलते हैं सीधा रोड पे, मेरे को लेने के लिए पहुंचने वाला है मेरा फ्रेंड। तो सबसे पहले मौसम दिखा दो, फिर चलते हैं। बाय। मैंने आपको मौसम का हाल है वो दिखा दिया है कि हल्के हल्के आसमान में बादल भी छाए हुए और हल्की हल्की धूप बिखरी हुई है। तो चलते हैं सीधा रोड पे, क्योंकि दोस्त अब पहुंचने ही वाला है रोड पे। तो अब चलते हैं सीधा रोड पे, मिलते हैं। दोस्त पहुंच चुका है और हम जा रहे हैं अभी दोस्त को लेने के लिए। एक दूसरा फ्रेंड है वो आ रखा है देहरादून से, तो अब उसको लेने के लिए जा रहे हैं। और अभी दोस्त पहुँच चुका है। अबे इसको खोल दे लॉक यार, बड़ा टाइम लगा जाए भाई। ये देखिए आप लोग के साथ यहाँ पे पूरी तरह से, और एसी के साथ आ रहा लौंडा आज कुछ। अरे यार बहुत गर्म हो रहा था, गर्मी ज्यादा। अभिषेक भी आया था प्लांट पे। अच्छा उसका ब्लोर था गाड़ी में, उसका वेट करता वहाँ ऊपर एक एक्सीडेंट हो गया था, दो बाइक पहले बस टकरा गए थे ज्यादा वा। अरे वो ऐसे टकराया बाइक गिर गई, एक नीचे जा रहा हूँ ऊपर से आ रहा था नीचे से, वो खराड़ वाले बच्चे थे वो। अच्छा हाँ बाइक पे पूरा एक लड़की, एक लड़की थी बेचारी, उसका भी नाक लग रहा है, उसका हाथ लग रहा है। तो दोस्तों अब हम जा रहे हैं दोस्त को लेने के लिए सीधा। कहाँ जाएंगे, कहाँ तक आ रहा हूँ कुछ पता नहीं कहाँ होगा। तो चलिए देखते हैं कहाँ तक आ जाए, हम आपको भी दिखाएंगे कि कहाँ तक हम जाते हैं, और फिर उसके बाद फ्रेंड से मिलाते हैं कौन आ रहा है, तो वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। तो बने रहिए ब्लॉग में। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं जुड्डो, जुड्डो तक आना पड़ा हमको। देखते हैं यहाँ पे पहुंचा है या नहीं, क्या आइडिया दे रहा। 2 मिनट बोल तो रहा है, कुछ ही होगा लग रहा है, मेरे को भी लग तो रहा है। चलिए देखते हैं जरा जुड्डो का, थोड़ा सा मार्केट बना लेते हैं, थोड़ा सा जुड्डो का मार्केट, छोटा सा मार्केट लिटिल। और यहाँ पे आजकल ना यात्रा की जो गाड़ियां है ना वो भाई कंटिन्यू है ना, देखना कैसी है भाई, पूरी भीड़ लगी हुई। वो आगे से होगा शायद, आगे से मोड़ के ले आते गाड़ी ना, क्यों दोस्तों। हम मार्केट से ना थोड़ा सा आगे आ गए और यहाँ पे थोड़ा छाया लग रही है, उस छाया में वहाँ पे रोक यार सामने, जहाँ वो थोड़ा ना धूल नहीं वहाँ, यहाँ पे रोक। तो हम मार्केट से थोड़ा सा आगे आके हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे रोकते हैं और यहाँ पे उसको
ठहरते हैं, मतलब वेट करते हैं। चलिए देखते हैं, यहीं से आपको भी दिखाई दे, सामने से जब आएगा दिखाते हैं कौन है। हमने सोचा कि वो ये तो गाड़ी में आ रहा यार है। देखिए दोस्तों, हमने हमको लगा कि मन का बंदा उसमें होगा, क्या बोलते बाइक में होगा। इसका तो कट गया, इसका तो किराया देना पड़ा, तेरे चक्कर में किराया देना पड़ा। अब देखते हैं ना रिएक्शन क्या रहता है, मतलब कुछ चेंजिंग वगैरह कर रहा है। हमने तो बोला था कि आगे चेंज कर लेते यार, और ये यहीं पे चेंज करने लग गया बीच रोड पे। यार शर्म नहीं है इसको जरा सी? कैसे बंदे यार, कहाँ से आते ऐसे लोग? हाँ जी, कहाँ से ये लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो आखिर में हमारे जो फ्रेंड थे वो पहुंच चुके हैं बिल्कुल, और हमारे बीच में कुछ ही सेकंड के अंदर बैठने वाले हैं सीट पे। ये देखिए आप विराजमान, हम आपको इनका मुंह नहीं दिखाएंगे अभी, फेस हम आपको इनको बाद में रिवील करवाएंगे। अभी आपको देख सकते हैं, अभी मैं इनका लुक दिखा देता हूँ आपको एक बार, थोड़ा ही दिखाएगा फेस ना। क्यों जी, कितना टाइम लगा इसने यार? तुझे कैसे लग रहा था कि उसमें आएगा गाड़ी में? अरे कैसा है, बढ़िया? कैसे रही शादी कैसे रही? मुंह आज करना लाएगा तेरे को यार, वहाँ ले जाएगा जन्ना, यहाँ पर है जन्ना ना, वहाँ ले जाएगा। ठीक है, वहाँ चलते हैं। हाँ, जन्ना दिखाएगा इनको, दिखाएगा जो लोग देख रहे हैं उनको भी, जन्ना भी दिखाएगा। अभी दोस्तों हम जा रहे हैं अभी ब्यासी जल विद्युत परियोजना की साइड में, आप देख सकते हो, और मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा पूरी झील और डैम। तो अभी हम आगे जाएंगे फॉल के पास जाएंगे। कहाँ जाना है अभी? अभी हमें जाना है, थोड़ा नायग्रा फॉल है हमारा वहाँ पे। अच्छा, बढ़िया, बहुत सही। तो आप बने रहिए, बिल्कुल आप वो फॉल दिखाया जाएगा। और रोड कुछ इस तरह से यहाँ पे ना, थोड़ी रोड कच्ची सी है ना, क्यों गाड़ी चल रही है, ज्यादा दूराई पे नहीं है, बस पहुंचने वाले हम। और ये देखिए आपको यहाँ पे झील का जो कुछ व्यू है वो कुछ इस तरह से है, और इधर आप देख सकते हो ऊपर ढांग जैसा है बिल्कुल, और आगे बिल्कुल आप रोड का कुछ रोड ज्यादा डैम साइड रोड ज्यादा खराब है, उधर को दिखा रहा पार्क थोड़ा। ये देखो क्या जबरदस्त है, 0.8। और हमको जब हम शाम को जाएंगे तो इस वाली रोड से जाएगा ना, पहुंचने वाले हैं उस जगह पे। और मैं आपको दिखाऊंगा बिल्कुल पास से जो झील है ना, जो मतलब ये जुड्डो वाला जो डैम है, जो उसकी झील है, वो मैं आपको बिल्कुल पास से दिखाऊंगा। तो अब हम पहुंचने वाले हैं बल्कि वहाँ पे, तो आप बने रहिए, बिल्कुल बहुत ही जबरदस्त व्यू है आ रहा है यहाँ पे, वहाँ पे उसका 0.8 और पूरा दिखाई दे रहा है बिल्कुल एकदम। और ना यहाँ पे कोई सेफ्टी पॉइंट वगैरह कुछ लगे हुए, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्यों लगे? तो उधर डैम की रोड है। अच्छा, यहाँ बाद में काम, उस डैम का काम खत्म हो जाएगा तो यहाँ गेट लग जाएगा। अच्छा, यहाँ लिखा जाएगा ये कोई आम रास्ता नहीं है, फिर गेट। अच्छा, फिर गेट बंद हो जाएगा। ये इसका 0.8 है, यहाँ पे यहाँ पानी अंदर। अच्छा, तो चलिए अब हम आपको दिखाते हैं तुरंत। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल एकदम पास में झील के, और मैं आपको दिखाता हूँ मतलब कितना पास में यहाँ से झील, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भाई नजारा, तो जबरदस्त है। मैं पहली बार आया भाई यहाँ पे ना, पहली बार ही आया भाई, देख ले क्या यहाँ पे बिल्कुल। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार पूरा, जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ वहां पे डैम है, और इतना खूबसूरत व्यू है ना, क्या जबरदस्त व्यू है। ये देखो आप, और जो ये रोड दिख रही होगी दोस्तों आपको, ये जा रही है दोस्तों यमुनोत्री और गंगोत्री, जो हाईवे है वो वाला हाईवे ये है, ये सीधी तो ये रोड विकास नगर देहरादून से आती है, और वो है डैम वहां पे। आपको मैं दिखा देता हूँ, ये डैम है जुड्डो डैम, और पहले भी दिखाया था। तो चलिए अभी हम थोड़ा सा कुछ यहाँ पे आपको फॉल भी दिखाएंगे, तो आप बने रहिए बिल्कुल ब्लॉक के अंदर दोस्तों, अभी बहुत ही इंजॉय करेंगे हम यहाँ पे। तो आपको हम पूरा व्यू आप देख सकते हो, मैं इसको पास से दिखाऊंगा ये फॉल, अभी हम यहाँ पे पूरा इंजॉय करने वाले हैं, तो आप बने रहिए दोस्तों। तो चलिए, तो दोस्तों गाड़ी को हमने यहाँ पे पार्क कर दिया है, और अब हम चाहेंगे सीधा आपको फॉल को दिखाने के लिए, तो चलते हैं सीधा फॉल दिखाने के लिए एकदम बिल्कुल पास में भाई, इतना मजा आएगा ना आज।
बहुत ज़्यादा, मतलब आप सोच नहीं सकते, मतलब आप कभी भी ना अगर इस रोड पे आए, कभी भी हाईवे पे, तो यहाँ पे आए और इस मॉल में एंजॉय करें। तो चलिए चलते हैं। तो जिस फॉल की मैं बात करने वाला था आपके साथ, वो फॉल है ये, आप देख सकते हो। मतलब अभी मैं आपको यहाँ से दिखा रहा हूँ रोड से, अब हम यहाँ से ऊपर कुछ तरफ जाएंगे और वहां से दिखाएंगे। तो दोस्तों जिस फॉल की मैं बात कर रहा था, उस फॉल के पास पहुंच चुका हूँ। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है यार, हुआ यहाँ पे आप नहा भी सकते, मतलब इतना ठंडा है ना यहाँ, मतलब बहुत ज़्यादा सुकून मिल रहा है। आज इस गर्मी में ना ऐसी जगह में आने का रहा भाई, बहुत मन करता है। क्यों क्यों नहीं, कैसा मन कर रहा है ऐसी गर्मी में? बहुत मना जी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा भाई, ऐसी जगह में आने का ना गर्मियों में तो बहुत ही ज़्यादा मन करता। तो चलिए मैं आपको एक बार पूरा फॉल दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों किस तरह से जो धारा है ये किस तरह से बह रही है, आप देख सकते हो। ये और इधर से ये सीधा सीधा, ये देखिए काफ़ी लोग मतलब यहाँ पे नहाते भी है, बट हम अभी ठंड लग रही है यहाँ पे, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, अभी शाम का टाइम हो रखा है। तो हमको मतलब नहाने के लिए हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे नहाने ना मतलब, क्योंकि ठंडा लगेगा, पर बहुत ही मज़ेदार है यार, वाह यार क्या व्यू है, बहुत ही। और यहीं पे पास में झील है और यहीं पे पास में रोड है, क्या जबरदस्त है। तो दोस्तों हमने पीने के लिए ला रखी कोल्ड ड्रिंक, आप देख सकते हो कोक, और साथ में है डिस्पोजल, और ये है कुछ यहाँ पे चिप्स वगैरह और पानी है, और साथ में है मोमोस, आप देख सकते हो मोमोस ठंडे होने वाले हैं। तो चलिए पहले खा लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं, थोड़ा बहुत व्यू दिखाऊंगा मैं आपको, तो बने रहिए ब्लॉग में। तो दोस्तों यहाँ पे आ चुके हैं गर्मा गर्म मोमोस, और साथ में है कोल्ड ड्रिंक कोक, और साथ में है आपके साथ। तो दोस्तों अब झरने से हम निकल रहे हैं, फोटोग्राफी वगैरह हो चुकी है। कैसा लगा सर आपको? बहुत ही बेहतरीन है, मज़ा आ गया। और देखिए जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो कबाड़ा लेके जा रहे हैं, कबाड़ा है जो मतलब हमने खाया पिया वो सब इसके अंदर है। तो आप लोगों से भी मेरी यही विनती है कि अगर आप लोग मतलब ऐसे झरने के पास, अपने नेचुरल जगह के पास कहीं भी जाते हो, तो प्लीज़ आप कूड़ा ना फैलाएं और गंदगी ना फैलाएं। जो भी आपके पास खाने पीने का जो भी सामान होगा उसको आप एक पन्नी के अंदर, क्योंकि पन्नी हर किसी के पास होती है, और उस पन्नी के अंदर आप उसको ले जाएं, या तो उसको जला दें और या उसको कहीं डस्टबिन में डाल दें। तो मेरा आपसे यही विनती है। तो चलिए अब तो दोस्तों अगर डैम की बात की जाए तो ये है दोस्तों जुड्डो डैम, आपको मैं दिखा सकता हूँ। ये देखिए आप कहाँ तक अभी पानी भरा है इसमें, आप देख सकते हो। ये देखिए आप यहाँ तक पानी पूरी तरह से भरा है, और जब बरसात होती है ना तो पानी यहाँ पे चढ़ जाता है। ये देखिए आप यहाँ से ऊपर चल जाते हैं, पाँच है, एक दो तीन चार पाँच, पाँच इसके जो वो होते हैं क्या बोलते हैं गेट, जो इससे गेट है वो पांच गेट है, आप देख सकते हो। और इतना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से, मतलब सामने रोड है ये हाईवे जा। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे अब वापस गाड़ी को मोड़ दिया गया है, और अब हम चलते हैं घर, इस ब्लॉग को करते हैं एंड, क्योंकि दोस्तों ये ब्लॉग लंबा होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को करते हैं एंड, मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू बाय।